नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जो आपके 17 सितंबर से एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करिए। हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, तो आप हमारे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका एवरेज का है, कह रहा है 8 संख्याओं को औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याएं को नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपका कह रहा है कि 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 27, बोल रखा है सभी को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याओं के नए समुच्चय का एवरेज क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप 2-3 संख्याएं लिए हमने 1, 2 एंड 3, तो आप इनका एवरेज देखो। तो 1 + 2 + 3 तो ये हमारा हो गया 6, 3 + 2 + 6 तो इसका एवरेज आ गया कितना, तो 2 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें सभी को 8 से गुना कर दो तो 8 + 16 + आपका हो गया 24, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, तो आप देख रहे हो कि एवरेज में भी 8 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर सारे में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एवरेज में भी 8 ही का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अगर आपका 8 संख्याओं का औसत 27 है तो सभी को 8 से गुना करेंगे तो नए समुच्चय का औसत क्या हो जाएगा, तो 27 × 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8 × 56 8 × 16 5 21 216 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बात कर रहा है दो लोगों की, ए एंड बी की। कह रहे कि 4 वर्ष बाद इनके एज का रेशियो था 11:44 पहले, और आपका 4 ईयर बाद उसके एज का रेशियो हो जाता है 13:16। तो हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान एज क्या होगी, तो क्या हम इसे एक्स मान के बनाएंगे? नहीं, हम इसमें एक्स नहीं मानेंगे, वो आपका काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। आपको करना क्या है, आप देख रहे हो कि 4 वर्ष पहले 11:14 था और 4 वर्ष बाद 13:16 हो गया। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि दोनों जगह जो है हमारे, अगर ए के, जैसे कि आप देख रहे हैं ए के एज में हमारा 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और इधर भी 2 यूनिट का, तो आपको श्योर करना है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा दोनों का डिफरेंस सेम है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, बट आपका क्वेश्चन कितने ईयर का कह रहा है, तो 8 ईयर का, यानी कि 2 यूनिट जो है हमारे बराबर है किसके, तो 8 ईयर्स के। तो हमसे पूछ रहा है ए की परसेंटेज के बारे में, तो ए की परसेंटेज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ए के 4 वर्ष पहले की एज निकाल लेती है, तो 11 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 11 × 8/2, तो ये हमारा हो गया 44 ईयर्स। तो 4 वर्ष पहले अगर ए की एज 44 ईयर्स थी तो परसेंट भी कितनी हो जाएगी, तो आपको इसमें 4 और ऐड करने पड़ेंगे, तो 48 ईयर्स हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बी की पूछता तो बी की पहले 14 यूनिट निकाल लेते, उसमें 4 ईयर्स ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, तो हमारा आ गया 48 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कमल के पास कुछ सेब हैं, ये हमारा परसेंटेज के क्वेश्चन है। कह रहा है कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए इससे 40% अधिक बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। कह रहा है कमल एक लड़का है, उसके पास कह रहा है कि कुछ सेब है, वो जितना खाता है उससे 40% ज़्यादा बेच देता है, तो अब उसके पास अगर 70 सेब, अगर उसने 70 सेब बेचे हैं तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि कह रहे 70 सेब बेचता है, तो बताइए हमसे पूछ रहा है कि उसने कितने सेब खाए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल उसके पास कितने सेब होंगे इस तरीके से, या फिर हम मान लेते हैं टोटल उसके पास एक्स सेब है। तो अगर उसके पास एक्स सेब होंगे तो अब उसमें से कह रहा है कि उसने 70 सेब बेच दिए, तो उसके पास कितने सेब, उसने कितने सेब खाए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले कि आपको मानना पड़ेगा कि उसके पास कितने सेब थे। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, तो ये हमारे कितने सेब होंगे ये हमें मानना पड़ेगा, तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने माना कि उसके पास एक्स सेब थे, तो एक्स सेब रहेंगे अगर उसके पास, तो हमसे कह रहा है कि एक्स सेब थे तो उसके पास अब क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसे हम बनाने के लिए हमें करना क्या है कि आप सबसे पहले मान लो कि उसके पास एक्स सेब थे, तो हमने माना कि उसके पास एक्स सेब थे, अगर एक्स सेब थे और कह रहा है कि उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिया, तो आपको इसमें करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि उसने खाए 100 सेब,
तो और उससे 40% अधिक बेच दे, यानी कि 140 सेब तो उसने बेच दिया। अब कह रहा है कि उसने 70 सेब ही बेचे, तो आपको एक्स नहीं मानना पड़ेगा। आपको करना क्या, आपने मान लिया कि उसने खाए 100 सेब और 40% अधिक बेचा, यानी कि 140 सेब बेच दिया। और कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 70 सेब ही बेचे, यानी 70 यूनिट हमारे बराबर हो गए किसके, तो 140 सेब के 140 यूनिट हमारे बराबर हो जाएंगे किसने के, तो 70 एप्पल्स के, तो 140 यूनिट इक्वल टू हमारा हो गया क्या, तो 70 एप्पल्स हो गए। तो पूछ रहा है कि बताए कि उसने कितने सेब खाए, तो हमने माना था कि उसने 100 सेब खाए, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 यूनिट इक्वल टू हो गया 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140, तो हमारा कितना सेब खाए आ गया, तो 50 एप्पल्स आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हमने किया कि हमने मान लिया कि उसने 100 सेब खाए, तो अगर उससे 40% अधिक बेचा तो 140 बेचा, बट आपका क्वेश्चन कर रहा था 70 बेचा, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, तो हमारा आ गया कि उसने 50 सेब खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेची जाती है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मेज है उसे हमने 10% की हानि पर बेचा तो 1800 रुपये में बेचा, अगर हम उसे 15% के लाभ पे बेचेंगे तो उसे कितने में बेचेंगे। तो हमने मान लिया कि उसने सेब खरीदा 100 यूनिट पे, अगर उसने उसे 10% लॉस पे बेच दिया यानी 90 में बेचा, अगर वो उसे 15% प्रॉफिट में बेचना चाहता तो 115 में बेचना चाहता। बट आप देखो, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की हानि पे बेचता है तो 1800 रुपये में बेचता है, बट यहाँ पे तो हमारा आ रहा है 90 यूनिट में बेचता है, यानी कि 90 यूनिट जो है हमारे बराबर हो जाएंगे किसके, तो 1800 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए 15% के लिए, तो 15% लाभ के लिए हमारा 115 यूनिट है, तो अगर 19 यूनिट 1800 के बराबर है तो 115 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आर एस 1800 मल्टीप्लाई बाई 115 डिवाइडेड बाई 90 हो गया, तो हमारा आ गया ये 20 हो गया, तो आपका कितना आ गया, तो ये 2300 रुपये में उसने बेचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, करें कि एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य 900 रुपये है, यह 20% और 10% के 2 ग्रामागत छूटों के साथ मिलता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 900 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, इसे बनाने के 2-3 तरीके। सबसे पहले तो 900 रुपये अंकित मूल्य 20% और 10% के 2 क्रमागत छूट के साथ बोल रखा है, तो अगर 20% का छूट लगेगा तो 80 और 10% का लगेगा तो 10। इस तरीके से हम इसे टोटली सॉल्व कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो हमारा इस तरीके से आपका आंसर नहीं आने वाला है, बिकॉज हमसे पूछ रहा है कि 2 क्रमागत छूट मिल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90, ये हमारा हो गया 20% और 10% के क्रमागत छूटों के साथ मिलते हैं, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 80/100 और मल्टीप्लाई बाई 90/100 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 9 8 72 एंड 9 9 2 18 9 7 63 1 64 648 आ गया विक्रय मूल्य। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों का एक साथ हम सबसे पहले छूट निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट छूट प्लस सेकेंड छूट, इस तरीके से हमारा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा टोटल छूट इसका आ गया कितना, तो 32% आ गया आपका छूट, टोटल छूट तो 32% आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो गया 900 और 100 में से 32 घटा दिया, तो 8 2 10 68 डिवाइडेड बाई 100, तो अब हम इसे 9 टाइम्स करेंगे, 9 8 72 9 6 54 54 7 हमारा कितना हो गया, तो 9 8 72 9 6 54 54 7 हमारा कितना आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारा 54 प्लस 7 किए तो ये 612 आ गया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 20 प्लस 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 30 प्लस 2 32% आ गया, 900 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा आपका कहीं पे, यहाँ पे हम इसे करेंगे तो ये हमारा माइनस होगा, सॉरी, तो 30 माइनस 2 हमारा हो गया 28%, तो 28% हो गया। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि आपका एकल डिस्काउंट निकलता कैसे है, तो एकल डिस्काउंट हमारा निकल जाएगा इस तरीके से, 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0, तो हमारा आ गया कितना, तो 30 माइनस 2 यानी 28%, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 22 करेंगे तो 72,
और ये हमारा हो गया इस तरीके से, हमने किया 9 × 2 = 18, 648 रुपये आपका आ गया विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है। ये हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का हमारा अनुपात दे के रखा है 25:1, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ करने ही नहीं पड़ेंगे। ये हमारा, इसे हम कैसे बनाएंगे ये हम देख लेते हैं कि इसे हम हमें बनाना कैसे है। तो कह रहे हैं मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का रेशियो दे रखा है 25:1, तो हमसे पूछ रहा है, तो आपको दे के रखा है, मतलब अगर रेट की फॉर्मूले की बात करें तो होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI तो हमारा हो गया एक वर्ष का 1 है मल्टीप्लाई बाई 100, हम एक्स वैक्स कुछ नहीं मानेंगे, प्रिंसिपल 25 हो गया और टाइम एक वर्ष का, तो आपका आ गया कितना परसेंट, तो हमारा आ गया 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिला उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे, तो हम इसे कैसे मनाएंगे। तो आपको इसमें करना क्या है कि हम, आपको पता है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं का इफिशियंसी सेम है, 3 मेन बराबर है किसके, तो 4 वुमेन के। कह रहा है ये काम को 43 दिनों में करते हैं, 48 डेज में, तो यहाँ से हम एक 1 मैन का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4/3 मैन, 1 मैन कितना काम करेगा, तो 4/3 वुमन का करेगा। तो 7 मैन प्लस 5 वुमन के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 × 4/3 प्लस 5 वुमन हो गया, यहाँ भी वुमन, तो ये हमारा हो गया सच्चे के 28, 28/3 प्लस 5, तो ये आ गया 328 प्लस 15, तो 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 4, 43/3। हमें पूछ रहा है कि 43/3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर 4 औरतें उसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो अगर 4 वुमन करते हैं 43 डेज में, तो एक वुमन कितने डेज में करेंगे, तो इससे ज़्यादा में 43 × 4, तो हमसे पूछ रहा है 43/3 वुमन के बारे में, तो कितना हो गया, तो 43 × 4 × 3 / 43, तो हमारा कितना डेज आ गया, तो आ गया 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभों को पार करने में कितना समय लगेगी। बहुत ही सिंपल, एक रेलगाड़ी अगर किसी खंभा को पार करेगी तो कितना समय लगेगी, तो आपको पता है डिस्टेंस तो दे रखा है मीटर में और आपका ऑप्शन है सेकेंड में, तो सबसे पहले हम स्पीड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 60 × 5/18 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 18 = 10, 50/3 m/s, तो हमसे टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 75 × 3/50, तो ये हमारा कितना सेकेंड आ जाएगा, 2 और ये 3, तो 9/2 यानी कि 4.5 सेकेंड में पार करेगी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।